Hello students, welcome back to the EduExcel channel. This is your biology teacher Abdul Ahad, and as you all know that we were discussing life process in our previous lectures, and we have already completed nutrition, respiration as well as transportation. And today we are going to talk about our last topic of the chapter, that is excretion. Okay, to baat bachcho ye aati hai, ab excretion hota kya hai? What is excretion? To simple, जो भी बॉडीज हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे चीजें जो है वो हो रही हैं, यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। कोई भी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन लिविंग बीइंग के अंदर होती है उसको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना? यानी कि उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग बीइंग के अंदर हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म जब होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो उसके जो है बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं। तो उन वेस्ट सब्सटेंसेस का बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है? तो आज हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे सारी चीजों को हम लोगों ने पहले प्लांट से पढ़ा था, फिर एनिमल से पढ़ा था, तो इसी तरीके से एक्सक्रीशन को भी हम लोग पहले पढ़ते हैं प्लांट्स में, ठीक है? सो वी हैव एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर बच्चों क्या होता है, जिस तरीके से हमारे अंदर यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पूरा सिस्टम होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इस तरीके से प्लांट के अंदर इतना हाईली जो है वो डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग जो है वो इस तरीके से एक्सक्रीट करता रहता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्लांट में क्या होता है, एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, ठीक है? स्टोमेटा के जरिए से क्या होता है बच्चे, जो मेनली गैशियस वेस्ट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहां पे? जब प्लांट रेस्पायर कर रहा होता है, अंडरस्टैंड? ऑक्सीजन वेस्ट होता है कब? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है? तो ये वेस्ट मटीरियल्स हैं। प्लस ये क्या होता है, स्टोमेटा के ही जरिए से एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी ट्रांसपिरेशन के बारे में, यानी कि इवेपोरेशन हो रहा था, किसके जरिए से? लीव्स के जरिए से इवेपोरेशन हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के जरिए से बच्चे वो निकल के चला जाता है। तो ये सारे क्या हुआ कि जो एक्सेस में अमाउंट था किसी भी चीज का या वेस्ट सब्सटेंसेस था, उसका रिमूवल हो गया किसके जरिए से? स्टोमेटा के जरिए से, ठीक है ना, लीव के ऊपर। दूसरा पार्ट क्या होता है कि लीव्स के अंदर कभी कभार प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको लीव्स के अंदर एंड फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन लीव्स को और फ्रूट्स को जो है, लीव्स क्या होती है भैया, एक मौसम आता है पतझड़ का, जिसको मौसम कहा जाता है, उसमें सारी पत्तियां जो है वो झड़ जाती है, यानी कि उसके जरिए से जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सब का सब अपना जो है वो लीव्स गिरा दी, और उससे जो है वो वेस्ट मटेरियल उनका जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? तीसरे मटेरियल जो होता है रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में। तुम लोगों ने अगर एक मूवी देखी होगी, पहले आई थी जुरासिक पार्क, ठीक है? तो उसमें जो है वो मॉस्किटो जो मिला था, जिससे डायनासोर का डीएनए मिला था, वो किस चीज में बन जाता था, वो रेजिन्स के जरिए से जो है वो मिला। तो ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर वो की भी क्या होता है, रेजिन्स एंड गम्स भी क्या होते हैं, वो प्लांट का वेस्ट मटीरियल ही होता है। इसी तरीके से सॉइल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, प्लांट की रूट्स हैं इस तरीके से, ठीक है ना? रूट्स के ऊपर जो है वो सेकेंडरी रूट्स हैं, टर्शियरी रूट्स हैं, और पतले पतले रूट हेयर्स होते हैं। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और डिफ्यूजन के जरिए से हमारी सारी चीजें जो है वो सॉइल के अंदर चली जाती हैं, जो भी वेस्ट मटीरियल होते हैं। तो प्लांट के अंदर हम लोगों ने देखा कि पूरा इस तरीके का कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है बच्चों, क्या हो रहा है, एक 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 पार्ट अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं, एक्सक्रीट कर रहा है। इसी तरीके से स्टेम के अंदर होता है बच्चों, स्टेम के अंदर याद करो हम लोगों ने पढ़ा था एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसल्स के जरिए से जो है बच्चों वो एक्सचेंज हो जाता है किस चीज का, मोस्टली गैसेस का, गैसेस वगैरह का जो है वो वहां से निकल के चली जाती है। तो ये सिस्टम जो होता है इस तरीके से अलग 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 तरीके से, ये किसमें होता है, ये हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात अगर आप करें, ठीक है? सो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है? अब इनके अंदर किस तरीके से होता है, उसको पढ़ने से पहले एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द
फॉर्म ऑफ यू कैन से वेस्ट दे प्रोड्यूस, यानी कि एनिमल्स अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पे, उस बेसिस पे कि वो किस तरीके का वेस्ट बना रहे हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, तीन तरीके से इनको डिवाइड करा जाता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ये अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं इनका जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट के उस पे तौर पे निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उनका अमोनिया होता है, और अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए क्या होता है इसका फॉरन जैसे ही प्रोड्यूस हुआ फॉरन के फॉरन इसका रिमूवल जरूरी होता है, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वॉटर। ठीक है, इसको जो है वो साफ करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए इसको जो है वो क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वॉटर। ठीक है, तो ये किस चीज में होता है बच्चों, किन में होता है, प्रोटोजोअन्स है, कुछ प्रोटोजोआ में होता है, स्पॉन्जेस हैं, तो ये सब क्या होते हैं, पानी में ही होते हैं, तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी की जरूरत होती है इस नाइट्रोजन फेस को रिमूव करने के लिए कि ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ वेस्ट दे प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब ये यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है बच्चे, इनके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। ये क्या होता है, इसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, और बनने के बाद थोड़ी देर के लिए बॉडी में रहता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मैमल्स के अंदर होता है, यानी कि हमारे अंदर भी यही होगा, फिशेस के अंदर होता है, रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर भी यही होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये दो तरीके। तीसरा क्या होता है बच्चों, थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ये क्या करते हैं बच्चा, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है यूरिक एसिड। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, तो ये क्या होता है, इसको बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो किसमें होता है, मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है, बर्ड्स में होता है, लिजर्ड में होता है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तीन कैटेगरीज हम लोगों ने बांटी, किस चीज के बेसिस पे, कि वो कौन से फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल बना रहा है। ठीक है ना, तो क्या देखा हम लोगों ने, अमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स और यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर जो है वो वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा था और किस तरीके से वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, वेस्ट का प्रोडक्शन तो हो गया, उसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं। अब एनिमल्स में भी भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो सबसे छोटा पहले सबसे पहले केस देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को लेते हैं। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, जैसे उसने रेस्पायर किया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल जो है वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के जरिए से बच्चों डिफ्यूज आउट हो जाती है। ठीक है, लेकिन भाई खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि खाली रेस्पिरेशन तो नहीं कर रहा है, बाकी और भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि उससे क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा। इसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो जो होता है यो किस तरीके से ये पूरा अपना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाता है, उसके जरिए से
आप लोगों को याद होगा न्यूट्रिशन में मैंने बताया था इस तरीके से डायग्राम बना करके कि इस तरीके से यहाँ पर ये अमीबा है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पर इसका जो है कि ये फूड पार्टिकल इस तरीके से है, तो ये अपने फॉल्स फीट को लेकर के आता है, सीडोपोडिया को लेकर के आता है और इस तरीके से इसको आगे करके जो है वो इसको एंगल्फ कर लेता है, यानी कि कुछ वक्त बाद क्या होता है इस तरीके से ऐसे आ जाता है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर ये अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह तमाम चीजें करता है, इसी के अंदर सारा रिएक्शन वगैरह हुआ, उसके बाद फर्दर क्या होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वैक्यूल में आ जाता है और इस तरीके से यही चीज है, ये अब इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है इसके अंदर और इस वैक्यूल को यहां से बाहर कर देता है, अंडरस्टैंड, इस तरीके से लेकर के, ठीक है, यहां पर ये हुआ और वेस्ट को जो है ये वैक्यूल आपका इस तरीके से बाहर आ जाता है, उसके जो है वो मेम्ब्रेन इस तरीके से क्लोज हो जाती है, वहां का पार्ट जो है अलग कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस के जरिए से अमीबा ने क्या करा, ये इन्होंने जो है वो रेस्पिरेशन सॉरी एक्सीलेशन का प्रोसेस किया, ठीक है। अब अमीबा का देख लिया हम लोगों ने, थोड़े और बेटर ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिजम्स का देखते हैं, जैसे लेट्स से कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म में बच्चों क्या होता है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी कि रेस्पायर भी उसी से कर रहा था, उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है, उसके जरिए से तो एक्सचेंज करता ही करता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है भाई, थोड़ा सा डेवलप हो गया ना ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या था बिल्कुल छोटा सा था, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गए, बड़े हो गए थोड़े बहुत, तो अब यहां पर बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे इनका जो होता है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन बन जाता है, वो ट्यूब्यूल्स होते हैं पतले पतले इस तरीके से, ठीक है ना, दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज नेफ्रीडिया, यानी कि अर्थवर्म किसके जरिए से, नेफ्रीडिया के जरिए से जो है एक्सक्रीशन का अपना प्रोसेस करता है, मॉइस्ट स्किन से तो करता ही करता है, नेफ्रीडिया के जरिए से भी करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आते हैं भैया, अब बात कर ले रहे हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, एक्सक्रीशन ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, मेन क्या चीज बन रही है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और दूसरा हमारा यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा जो होता है वो यूरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए से, लंग्स के जरिए से बाहर निकल आती है, हम लोगों ने किसमें रेस्पिरेशन में मैंने ब्रीदिंग पढ़ाई थी तुम लोगों को, तो ब्रीदिंग में क्या हुआ था कि जो भी गैस होती थी अंदर उसको एक्सहेल आउट कर दिया, निकल गई बाहर, वो किस तरीके से एक्सक्रीट हो गई लंग्स के जरिए से। यूरिया क्या होता है, यूरिया जो बेटा एक्सक्रीट होता है वो आपका किडनीज के जरिए से होता है, ठीक है, वही चीज हमारा जो है वो पूरा बनता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब किस तरीके से क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है पूरा, ये हम लोग अब जो है वो डिटेल में देखेंगे। जस्ट गिव मी मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो ये सारी चीजें होती हैं, क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी, दूसरी चीज अ पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, एंड वन यूरेथ्रा, ये सारी चीजें हमारे उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। अब किस तरीके से कैसे होती हैं वो हम लोग देखेंगे, मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, लेट से ये हमारी किडनीज है बच्चों, ओके, सो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना, इस डायग्राम के बारे में देखते हैं, ये क्या है बच्चों, ये हमारी राइट किडनी है,
और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। ये जो होती है हमारी रीनल आर्टरी होती है, और ये क्या है हमारा रीनल वेन। जिस तरीके से लंग्स की आर्टरीज और वेन्स को पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन कहा जाता है, उसी तरीके से किडनीज की आर्टरीज और वेन्स को रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हमारे क्या है, यूरेटर है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। और ये लास्ट में हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है बच्चों, रीनल आर्टरी क्या होती है, रीनल आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड लेकर के आती है, जिसके अंदर इंप्योरिटीज भरी हुई होती हैं, वो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है और आपका रीनल वेन जो है वो प्योर ब्लड, साफ ब्लड लेकर के बॉडी में फिर से चली जाती है। तो ये प्रोसेस होता है इन दोनों चीजों का। अब अगर हम लोग किडनीज के बारे में बात करें तो क्या है? एक पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो अदद किडनी प्रेजेंट होती है, ब्राउन कलर की होती है हमारी किडनीज, और किस जगह प्रेजेंट होती है बेटा, लोअर एब्डोमेन में, इस तरीके से एब्डोमेन के पास, यहाँ बैकबोन के पास, यहाँ पे प्रेजेंट होती है दोनों किडनीज। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये किडनीज जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक बात, खास बात क्या होती है कि हमारी राइट वाली जो किडनी होती है वो हल्की सी जो है वो नीचे दबी हुई होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट वाली किडनी के ऊपर हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, दैट इज लिवर, उसके ऊपर वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हल्की सी जो है वो ये दब जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि इसी के अंदर रीनल आर्टरी आई, ब्लड लेकर के आई, यहां पर यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से कैसे हुआ वो यहां पर आकर के बन जाता है। अच्छा, अब एक बात क्या चीज क्या देखनी है, अच्छा चलो आगे बताता हूं। यहां पर क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में आया, थोड़ी देर स्टोर हुआ और यूरिथ्रा से पास आउट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब जो मुझे बताना था यूरिन के बारे में, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वी आर द यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी कि वेस्ट मटेरियल क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये यूरिया किस तरीके से बनता है, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिख ले, इस तरीके से होता है ये यूरिया। ठीक है, अब ये किस तरीके से बना है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन दोनों का रिएक्शन होता है कहां पर, लिवर में, और ये मिलके जो है वो यूरिया बना देता है। ये पर्टिकुलर साइकिल जो होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ अमोनिया के साथ और उसने जो है वो यूरिया बना दिया, दिस पर्टिकुलर साइकिल इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। ये आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथीन साइकिल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब बात आती है भैया, ये अमोनिया बॉडी में हमारे कहां से आ गया? ठीक है, तो ये किस तरीके से बन रहा था, ये जो है आपके प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स का रिएक्शन होता है, प्रोटीन्स जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है, दिस अमाइनो एसिड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया इनसाइड द लिवर एंड इट इज गोइंग टू मेक यूरिया। ठीक है, तो ये यूरिया उस तरीके से जो है वो बन जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूरिया। तो इस तरीके का यूरिया होता है। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने किडनी के बारे में क्या पढ़ा, इस तरीके से देखा कि किडनी में यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट हुआ, यानी कि पूरा यूरिन प्रोड्यूस हुआ, और अराउंड क्या होता है 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन जो है वो पर डे हमारी बॉडी से जो है वो पास हो जाता है। इस इतने यूरिन के अंदर अराउंड 25 to 30 grams जो है वो यूरिया प्रेजेंट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, कि 1 to 1.5 liters पर डे इतना तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके अंदर यूरिया कितना होता है, अराउंड 35 to 30 grams ऑफ यूरिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यूरिया के बारे में हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब क्या हुआ, किडनी के अंदर हम लोगों को देखना है आखिर वो क्या चीज है। भाई हम लोगों ने यहां पर देखा ना कि भाई किडनी के अंदर जो है वो यूरिन फॉर्मेशन हो गया, ब्लड यहां पर आया, तो ब्लड आने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस हुए, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, वो चीज हम लोगों को देखनी है। किडनी के अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है किस चीज का, किडनीज का, उनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट, इन्हीं से किडनी बनती है और यही काम जो है वहां पर करते हैं। अराउंड 6 centimeters का जो है वो एक नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और एक किडनी में
inside one kidney around 1 million nephrons are present. ठीक है, तो ये 1 million nephrons जो है वहां पर present होते हैं और यही यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं. अब किस तरीके से करते हैं, ये नेफ्रॉन कैसे बने होते हैं, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली दो पार्ट का बना हुआ था. पहला पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रिक डक्ट. ये नेफ्रिक डक्ट हमारी जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में. ठीक है, अब एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं फिर से. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है बच्चों वो किस तरीके से जो है वो दिखता है. अंडरस्टैंड, सो आई एम ट्राइंग टू मेक द नेफ्रॉन हियर. ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहां से इस तरीके से आती है आपकी आर्टरी. ओके, और यहाँ पे ये जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि करीब आधी 50 अदद जो है वो कैपिलरीज का जो है वो एक टफ यानी कि गुच्छा बिल्कुल बना हुआ होता है. ठीक है, और फिर यहां से साहब आपका ये निकलती है. Somewhere like this. ठीक है, अब इस तरीके का आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, नेफ्रॉन का. तो ये वाला पार्ट हमारा जो है बच्चों, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल. दिस इज बोमेंस कैप्सूल और इसके अंदर जो मैंने बताया कि यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, पूरा गुच्छा जो है कैपिलरीज का, उस गुच्छे को क्या कहा जाता है बेटा, इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये हमारी जो होती है अफेरेंट आर्टरी होती है, ये जो होती है हमारी इफेरेंट आर्टरी होती है आर्टरी. ये बच्चे हमारे कलेक्टिंग डक्ट होता है, ओके, दिस पर्टिकुलर इज पीसीटी, ये हमारा डीसीटी होता है, दिस इज अब आर लूप ऑफ हेनले, ये हमारा लूप ऑफ हेनले होता है. ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, नेफ्रॉन का, जो भी मैंने बताया. ठीक है, अच्छा एक खास बात और कि ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेल्फीजियन बॉडी या फिर मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, अच्छा तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका, अच्छा पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, प्रोक्सिमल
convoluted tubule. DCT क्या होता है हमारा? Distal convoluted tubule. ये हमारा डीसीटी होता है, ठीक है. तो ग्लोमेरुलस किस तरीके से बोमेंस कैप्सूल में के अंदर जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से कॉइल्ड पार्ट आता है किस चीज का? पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिश्यू, सॉरी ट्यूब्यूल. आगे चलता है तो लूप ऑफ हेनले एक यू शेप का इस तरीके से आता है. फिर उसके बाद वापस हम लोग आते हैं तो डीसीटी आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि दोबारा कंटिन्यू हो जाता है किसमें? आपकी कलेक्टिंग डक्ट में. और एक ही कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन्स जो है वो खुलते हैं, ठीक है ना. इधर से कोई और नेफ्रॉन का आ रहा होगा, इधर से कोई और, इधर से कोई और, इस तरीके से एक ही कलेक्टिंग डक्ट में काफी खुलते हैं. और वो कलेक्टिंग डक्ट सारी जो है वो आपकी किडनीज के अंदर ओपन होती है. वहां से फिर यूरेट्रा से पास होते हैं वो यूरेथ्रा, सॉरी यूरिन ब्लैडर, वहां थोड़ी देर स्टोर होकर, टेम्परेली स्टोर होकर वो यूरेथ्रा से पास हो जाता है यूरिन. अच्छा, अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम लोगों को क्या देखना है बच्चों कि इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, यानी कि किस चीज का प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, पूरे उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, वो जहन में रखते हुए अब आगे चलना है. अब क्या हुआ, आर्टरीज जो है लेकर के आई ब्लड, ब्लड में क्या इंप्योरिटीज है प्रेजेंट. तो दो प्रोसेसेस होते हैं बेटा, किस तरीके से किडनीज के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला प्रोसेस क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जब इस तरीके से ब्लड लेकर के आई यहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसमें से जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो क्या होते हैं, सारे के सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं अलोंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. क्या होता है इसके अंदर, यानी कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं और वाटर, वाटर के साथ वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. और कहां पर? बोमेंस कैप्सूल के अंदर. और ये फिल्टर्ड आउट पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी यूरिन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. प्राइमरी यूरिन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है. अब ये प्राइमरी यूरिन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर होता क्या है बच्चे, जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो सारे होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं प्लस यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है. अच्छा खासा जो है वो पानी होता है, ठीक है. अब क्या हुआ, यहां पर जो है ये सारी चीजें जो है वो निकल करके आ गई, ठीक है. निकलने के बाद अब जब वो प्राइमरी यूरिन जो है वो इस ट्यूब्यूल से फनले से होता हुआ यहां तक पहुंचता है, तो उस पाथवे में बच्चे एक रिएक्शन और होती है, एक प्रोसेस और होता है. क्या हुआ, दूसरा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन. इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर बच्चे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो आयंस वगैरह होते हैं, कैल्शियम आयन, पोटेशियम वगैरह, सारे रिएक्शंस के लिए अलग अलग जरूरत पड़ती है, तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो अलोंग विद 99% ऑफ वाटर, ये जो है वो दोबारा से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. अंडरस्टैंड, शुरू में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, यानी कि जितनी भी चीजें थी यूजफुल, हार्मफुल और बहुत सारा पानी, सारी चीजें जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में जो है आपको मिल गई, जो जिसका अमाउंट अराउंड कितना होता है, इट्स अमाउंट इज अराउंड 180 लीटर. यानी कि एक दिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या प्राइमरी यूरिन जो बनता है बेटा कितना बनता है, 180 लीटर बनता है. लेकिन अगला स्टेप जो है हमारा रीअब्सॉर्प्शन, इसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई और एज अ रिजल्ट क्या होता है, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है हमारा पर डे जो है वो पास होता है बॉडी से, बाकी सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है. अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, अब ये हमारा रीअब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है बच्चे, ये कौन कंट्रोल करता है, ये एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है. दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन.
जो कि कहां से रिलीज होता है, ये बच्चे हमारा रिलीज होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से जो है वो रिलीज होता है, ठीक है ना। हम लोग अभी अगले चैप्टर में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में डिटेल में। तो इस तरीके से हमारा जो है वो यूरिन का प्रोडक्शन हुआ, और यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से आकर के कलेक्टिंग डक में स्टोर हो गया। ढेर सारी कलेक्टिंग डक आपकी जो है वो कहां पर ओपन हो रही होती है, किडनीज के अंदर ओपन हो रही होती है, और ये किडनीज के अंदर यूरिन आ जाता है, किडनीज के जरिए से पास होते हुए यूरेटर के पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आकर के थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली स्टोर होता है, और एक वक्फे के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा के जरिए से पास आउट हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ द नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इस हॉर्मोन से रिलेटेड, ठीक है। कभी कभार क्या होता है बच्चों, हम लोग जब बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उसका एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। किस तरीके से, लेट्स से कि एक पाथवे हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी पिया तुमने, एक्स्ट्रा वाटर वी ड्रिंक, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी कहां जाएगा भैया, ये पानी जो है एब्जॉर्ब इन ब्लड, ये पानी ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड राइजेस। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब बढ़ता है तो वो सिग्नल कहां जाता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, चीफ कमांडर होता है मास्टर ग्लैंड का। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी होता है। पिट्यूटरी के भी पोस्टीरियर पार्ट पे ये जो है इफेक्ट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको ये सिग्नल भेजता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, लेस अमाउंट ऑफ एडीएच प्रोड्यूस करती है। अमाउंट ऑफ एडीएच अगर कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एडीएच का क्या काम था, रीएब्जॉर्प्शन करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो वाटर का है उसको कर रहा था, लेकिन अब कम प्रोड्यूस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन, या यू कैन से लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेस एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, मोर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और मोर यूरिन जब आएगा तो लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो ये बच्चों पूरा साइकिल होता है, जब आपने ज्यादा पानी पी लिया तो ज्यादा जो है पानी लूज भी होता है, यूरिन ज्यादा आता है, तो ये पूरा पाथवे होता है उसका कि इस तरीके से ऐसे करके जो है पूरा रिएक्शन होता है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज हम लोगों ने यहां पर एक्सक्रीशन के बारे में अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो देख लिया। एक लास्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंदर जो है, जिनकी किडनी जो है वो प्रॉब्लम करने लगती है, वो पूरी तरीके से जो है वो वेस्ट मटेरियल को नहीं एक्सक्रीट कर पाती है, अलग नहीं कर पाती है। कुछ लोगों में भाई रीनल फेलियर भी हो जाता है, किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है, तो उन लोगों के अंदर जो है वो एक प्रोसेस करा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। ओके, अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एक मशीन ली जाती है। लेट मी मेक का डायग्राम फॉर यू फॉर ऑफ दैट, ठीक है। लेट से कि ये इस तरीके से ऐसे जो है ये एक मशीन है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से जो है वो ट्यूब्यूल्स,
ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से इसके अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूड की खासियत क्या होती है कि ये फ्लूड जो होता है बच्चों, बिल्कुल आइसोटोनिक इसका जो है वो कंपोजिशन होता है, किसके, ब्लड प्लाज्मा के, बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। एक्सेप्ट इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर बस यूरिया नहीं होता है। तो आपका जो ब्लड होता है, ये आर्टरी आई, आर्टरी ब्लड लेकर के आती है, ब्लड जो है इसके अंदर इस तरीके से पास होता है। जब इस तरीके से ब्लड पास हो रहा होता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से ये जो एक ट्यूब्यूल होती है, ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा थिन मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां से जो है डिफ्यूजन के जरिए से सारी चीजें जो है वो उधर की तरफ चली जाती है, किसमें, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जिसका सोल्यूशन कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल आइसोटोनिक होता है, किसके, हमारे ब्लड प्लाज्मा के, एक्सेप्ट इसमें यूरिया नहीं होता। तो यूरिया होता है, वो यूरिया सारा इसमें जो है उसके अंदर चला जाता है। अब धीरे 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 वक्त के साथ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर के यूरिया आपका स्टोर होता चला जाता है, यहाँ पर यूरिया जो है वो स्टोर होता चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पास होते 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 यहाँ पर जो है पूरा साफ होने के बाद ये वेन में जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, इस तरीके से बॉडी के अंदर जो है चला जाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली जो है हम लोगों ने जो है किडनी का काम लिया और यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट कर लिया। खास बात और एकेडमिक सॉरी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आर्टरीज जब इस तरीके से इस मशीन के अंदर एंटर होती है, ब्लड एंटर होता है, तो बिफोर एंटरिंग इसका टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कंट्रोल करके जो है वो कहां तक, 0 डिग्री पे लाया जाता है। और इसके अंदर एक चीज मिलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ताकि इसके अंदर जा करके ब्लड कोगुलेट ना हो जाए, ठीक है ना, क्लॉटिंग ना हो जाए। यहां पर अगर कोगुलेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आगे फुल फ्लो नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हेपरिन उसके अंदर मिलाया जाता है, फिर जब यहां से ब्लड निकल रहा होता है तो इसके अंदर एंटी हेपरिन डाला जाता है और इसका टेम्परेचर फिर दोबारा से जो है वो बॉडी टेम्परेचर के, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन कर दिया जाता है। फिर ये वेन के जरिए से जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस का जो है वो लोगों में होता है, और ये प्रोसेस करीब जो है वो अराउंड 1 से 1.5 घंटा जो है इसमें लग जाता है, इस पूरे प्रोसेस में। और जिन लोगों को जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, जिन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि अभी डायलिसिस आपको करानी पड़ेगी, तो उनको 2 से 3 टाइम्स जो है वो करवानी पड़ती है, ठीक है ना, मतलब 1 वीक में। इस तरीके से जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस जो है इस तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस टुडे, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें, सारे प्रोसेसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग जो है आगे के सिलेबस का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, या कौन से चैप्टर के बारे में बात करनी है। और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपका पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।